ये जैकेट हम 4 से 6 साल के गर्ल के लिए बना रहे हैं। इसके लिए हमने 90 चैन लिया है। ये 90 चैन में ही हमारा फ्रंट साइड आ जाएगा और बैक साइड आ जाएगा और आर्म होल आ जाएगा। तो 90 चैन लेने के बाद हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। ये 3 चैन एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद चौथी चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट वाली चैन में डाल के भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गया। ये 3 डबल क्रोशिया आगे का बटन पट्टी रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 ये डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बाद 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2, ये देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 चैन लेंगे, 1 2। 2 चैन लेने के बाद इसके नेक्स्ट वाले चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा हो गया। अब हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बाजू वाला साइड है, तो ये 18 डबल क्रोशिया ये हमने 1 बना लिया है, ये 2, तीन, ये 18 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे और इसके नेक्स्ट में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमें यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा 24 डबल क्रोशिया का, और ये 18 डबल क्रोशिया का हमारा बाजू वाला साइड है, और ये 12 डबल क्रोशिया और प्लस इसमें 3 डबल क्रोशिया ये हमारा फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड में 12 डबल क्रोशिया रहेगा और यहाँ पे 18, बैक साइड पे 24, फिर से बाजू के लिए 18 और फिर से फ्रंट साइड के लिए 12 प्लस 3। तो ये डिज़ाइन 6 के मल्टीपल में बनेगा। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप एक एक डिज़ाइन और इसमें बना सकते हैं। तो उसके लिए 6 डबल क्रोशिया आपको एक्स्ट्रा और बनाना है। तो ये 12 हो गया, तो ये 6 का 2 यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा, यहाँ पे 3 डिज़ाइन बनेगा। तो हम आगे और आपको ऐसे ही बताते हैं कि क्या करना है। तो हम आगे अभी ये 24 डबल क्रोशिया बैक साइड के लिए बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 24 डबल क्रोशिया बन गया है। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2, और बाजू वाली साइड के 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम 2 चैन लेके 12 डबल क्रोशिया प्लस 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे फ्रंट वाली साइड के। तो हम लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा यहाँ तक एक रो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 15 है, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे 18, फिर 24 चैन, 18 के बाद 2 चैन, फिर 24 चैन, फिर यहाँ पे 2 चैन, फिर यहाँ पे 18 चैन, फिर 2 चैन और फिर यहाँ पे 15। ये डिज़ाइन 12 का है लेकिन 2-3 हमने बटन पट्टी के लिए लिया है। अब हम 3 चैन लेंगे, 3 चैन एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर भी बनाएंगे तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। तो ये हमारे बटन पट्टी के 3 डबल क्रोशिया हैं। उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 2 चैन लेंगे, 1 2। उसके बाद यहाँ पे नीचे से 2 चैन छोड़ के, ये हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है, 2 चैन छोड़ेंगे, 1 2। तीसरी चैन में डाल के 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2, सेम उसी जगह डाल के 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, और नीचे से 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में डाल के 1 सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करेंगे, 1 2। तीसरी चैन में डाल के 1 सिंगल क्रोशिया से हमें
ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, फिर अब दो चैन लेंगे, एक दो, फिर से अब दो चैन नीचे से छोड़ेंगे, एक दो, तीसरी चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे, एक दो, सेम उसी जगह डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे, एक दो, और तीसरी चैन में डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये तीसरी चैन हमारे यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे ये हमने लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर में से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये हमारा कॉर्नर वाला साइड आ गया है, तो यहाँ पे भी हमें एक डिज़ाइन बनाना है। ये हमारे दो डिज़ाइन बन गए हैं, एक ये और एक ये, और ये कॉर्नर वाले साइड पे भी डिज़ाइन बनेगा जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में दो चैन लिया था फर्स्ट वाली रो में। तो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए फिर से वही दो चैन लेंगे, फिर इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर से हम दो चैन लेंगे, एक दो, और इसके पास वाले डबल क्रोशिया में डाल के इसके ऊपर वाली चैन में डाल के यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद फिर से हम दो चैन लेंगे, एक दो, और यहाँ से दो चैन छोड़ के तीसरी चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम उसी चैन में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से दो चैन, एक दो, और नीचे से तीसरी चैन में डाल के ज्वाइन करेंगे। ये हमारे बाजू वाली साइड डिज़ाइन बन रहा है, बाजू वाली साइड तीन डिज़ाइन बनेगा। तो ये हमारा पहला बन गया है, अब दूसरा बनाएंगे। इसके लिए फिर से दो चैन, फिर से नीचे से दो चैन छोड़ के तीसरी चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया दो चैन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर से दो चैन, फिर तीसरी चैन में डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से दो चैन, फिर तीसरी चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो, और तीसरी चैन में डाल के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ पे। ठीक है, फिर से दो चैन लेंगे, एक दो, और ये फिर से ये हमारा जाली वाला यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से बैक पार्ट स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे भी एक डिज़ाइन बना लेंगे, दो चैन एक डबल क्रोशिया, फिर से दो चैन एक डबल क्रोशिया सेम उसी जगह पे, फिर से दो चैन, और इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो ये एंड तक ऐसे ही बनेगा, हम जहाँ पे ये बटन पट्टी स्टार्ट होगा यहाँ तक ऐसे ही बना लेते हैं। ये ध्यान रखना है, इसके बीच में एक डिज़ाइन ज़रूर बनेगा, एक डबल क्रोशिया दो चैन और एक डबल क्रोशिया वाला, जैसे ये सारे डिज़ाइंस बने हैं। तो हम वहाँ तक बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर सेकंड रो के लास्ट पर आ गए हैं। यहाँ पे हमने लास्ट वाला डिज़ाइन बना लिया, एक डबल क्रोशिया दो चैन एक डबल क्रोशिया, फिर हमने दो चैन ले लिया है। अब यहाँ पे हम तीन दो चैन छोड़ के तीसरी चैन में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ पे जॉइन नहीं करना है सिंगल क्रोशिया से, स्टार्टिंग में भी ऐसे ही हमने यहाँ पे जॉइन नहीं किया था, डायरेक्ट दो चैन लेने के बाद हमने
एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया बना लिया था। तो ये डायरेक्ट हम बटन पट्टी वाला तीन चैन बना ले, तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम तीन चैन ले लेंगे, ये हमारी थर्ड रो है। तीन चैन लेने के बाद हम ये तीन बटन पट्टी वाले डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। तीन चैन हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ये देखिए इतना हमारा हो गया। अब हम एक चैन लेंगे और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था इसके अंदर डाल के एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे कम्प्लीट नहीं करना है, पूरा नहीं करना है, फिर इसी जगह पे डाल के एक डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसे पूरा करेंगे, दोनों को एक साथ पकड़ के गिरा देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम दो चैन लेंगे, एक दो, तो दो डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट कैसे बनाने हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, वो ध्यान से देखिए। पहले हमें एक डबल क्रोशिया उठा लेना है, पहले हमें दो ऐसे गिरा देना है इसे, फिर ऐसे दोबारा नहीं गिराना है। फिर से इसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया, पहले दो गिरा लेंगे, उसके बाद जब ये दोनों इतने हो जाएंगे फिर ये दो को पकड़ के गिरा देंगे, फिर ये ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर से दो चैन लेंगे और सेम ऐसे ही दो डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर इन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब फिर हम दो चैन लेंगे। स्टार्टिंग में हमें एक चैन लेना है यहाँ पे, उसके बाद हम दो चैन लेंगे और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अब दूसरी डिज़ाइन में हम डाल के सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। दो डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बना के फिर कंप्लीट करेंगे, फिर दो चैन, फिर दो इनकम्प्लीट वाले डबल क्रोशिया, फिर दो चैन। तो ये हमें यहाँ तक ये वाला बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम ये कॉर्नर वाले पे आ गए हैं, तो यहाँ पे भी सेम हम ऐसे ही बनाएंगे, इसमें भी वैसे ही सेम डाल के दो चैन हमने पहले स्टार्ट यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, फिर दो चैन, फिर दो डबल क्रोशिया एक साथ। ये थर्ड रो लास्ट तक ऐसे ही बनेगा, यहाँ तक ऐसे ही हम इसे बनाएंगे। तो ये इस डिज़ाइन तक बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये जितने भी हैं, ये डबल क्रोशिया वाला जितना भी गैप है सब में बनेगा, सब में ये तीन तीन बनेगा। अब हम तीन चैन लेंगे और तीन हम बटन पट्टी वाला डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये तीन चैन एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो और ये तीन। अब हमें क्या करना है, एक चैन लेंगे और ये जो डिज़ाइन है तीन वाला इसके एक गैप में डाल के, फर्स्ट वाले गैप में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चैन लेंगे, ये वाला रो बहुत ही इजी है, बस सारे गैप्स में ये जो स्पेस है इन सब में डाल के एक चैन लेकर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर से एक चैन, फिर इस वाले स्पेस में डाल के डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन, फिर ये वाले स्पेस में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, ये वाले स्पेस में डाल के एक डबल क्रोशिया। अब हम कॉर्नर वाले डिज़ाइन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ये डिफरेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चैन ले लेंगे हम, उसके बाद इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर एक चैन लेंगे और सेम इसी जगह डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम दो चैन लेंगे, एक दो, और इसके नेक्स्ट वाले गैप में भी एक डबल क्रोशिया बना के एक चैन, फिर उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए कॉर्नर में बस हमें ऐसे बनाना है, बाकी सब सेम ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन ऐसे बनाना है। अब इस वाले गैप में भी एक चैन लेंगे, एक चैन बनाएंगे, सॉरी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर ये तीनों फ्लावर वाला जो है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम हमें ये रो ऐसे ही कंप्लीट करना है। बस ये कॉर्नर पे हमें ये ध्यान देना है कि कॉर्नर वाले डिज़ाइन पे हमें एक स्पेस में दो डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में एक चैन रहेगा और ये दोनों डिज़ाइन के बीच में दो चैन रहेगा। यहाँ पे दो चैन, ये एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर इसके नेक्स्ट वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से सारे स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया, एक एक चैन दे के बनाना है। और स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर नहीं बनाना है, हमें स्टार्टिंग में डायरेक्ट फ्लावर के अंदर बनाना है। ठीक है, तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए लास्ट में हम आ गए हैं, लास्ट में एक चैन ले लिया है और हमें ये बटन पट्टी वाले डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद तीन चैन लेंगे, तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और फिर से ये इधर से भी हम बटन पट्टी वाला डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे गैप में, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर तक हमें ऐसे ही बनाना है। ये देखिए हम कॉर्नर वाले डिज़ाइन के पास आ गए हैं, ये हमारा कॉर्नर वाला डिज़ाइन है। यहाँ पे भी हमने ये जो गैप था यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर वाला डिज़ाइन का ये जो फर्स्ट वाला है इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसके बीच में जो गैप है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद ये जो हमने दो चैन का गैप यहाँ पे दिया था इसमें भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दो डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। अब हम दो चैन लेंगे और सेम इसी जगह हम दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये यहाँ तक ये तीन स्टार्टिंग के तीन डबल क्रोशिया बटन पट्टी के छोड़ के यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया टोटल हमारा हो गया है। यहाँ पे हमारा 12 था, यहाँ पे 18 हो गया है। ये 6-6 डबल क्रोशिया हर डिज़ाइन में इंक्रीज़ होता जाएगा जहाँ तक हमारा बाजू का मेज़रमेंट पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद ये बाजू वाले में भी डबल क्रोशिया यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे सब गैप के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाना है। बस कॉर्नर में यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया बनेगा। उसके बाद सारे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और गैप्स में डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी ये देखिए हमने दो चैन, दो डबल क्रोशिया बना लिया है, फिर अब इसी जगह पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके गैप में डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, बस कॉर्नर में ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं ये रो, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए एंड में आ गए हैं हम, यहाँ पे सेम वही तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बना लेना है।
उसके बाद तीन चैन लेना है। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये डिज़ाइन ऐसे हैं। ये हमारा बैक है, ये हमारा बाजू का है, और ये दोनों यहाँ से फ्रंट का है। तो यहाँ पे ये हमारा 6 डबल क्रोशिया आगे वाले इस पल्ले में इंक्रीज़ हुआ है, 6 इसमें बढ़ा है, और 12 ये बाजू वाले साइड बढ़ा है, 12 बैक साइड बढ़ा है, और बाजू वाले साइड इस वाले बाजू वाले साइड 12 बढ़ा है। तो यहाँ पे दो दो डिज़ाइन और अब बनेगा, यहाँ पे एक एक बनेगा, और ये बाजू वाले में भी अब दो डिज़ाइन ऐसा बनेगा, और तो यहाँ पे टोटल 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी दो डिज़ाइन और बनेगा, तो यहाँ पे टोटल 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये कॉर्नर वाला एक का एक यहाँ पे ही रहेगा। तो डिज़ाइन सेम हमने जो यहाँ पे ऐसे स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ पे भी अब वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ये एक डिज़ाइन 4 रो में बना है, ये हमारा दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी बना लेते हैं 3 डबल क्रोशिए का। उसके बाद सेम जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, 2 चैन, फिर नीचे से 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन सेम उसी जगह पे 1 और डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 चैन लेके नीचे से 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में डाल के सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे। एक तो ये देखिए स्टार्टिंग में जैसे बनाया था, फिर 2 चैन, 1 2, फिर 1 2 3 तीसरी चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर वहीं पे 1 और डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेना है, फिर 2 चैन, फिर तीसरी चैन में डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर उसी जगह पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर ये तीसरी चैन यहाँ पे जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया बचेगा उसकी चैन के ऊपर सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 3 डिज़ाइन बन गए हैं, 1 2 और 3, और ये यहाँ पे कॉर्नर वाला भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने ये वाले रो में बनाया था। ये वाले रो में कॉर्नर में भी डबल क्रोशिया 2 चैन लेने के बाद, फिर 2 चैन, फिर सेम उसी जगह पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन सेम, फिर इसके पास वाले ही डबल क्रोशिया में यहाँ पे जॉइन कर देंगे, फिर 2 चैन, फिर तीसरी चैन में डाल के डबल क्रोशिया, 2 चैन डबल क्रोशिया। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे अब रिपीट होगा जैसे यहाँ पे हमने बनाया है, उसके बाद ये वाला बनाएंगे, उसके बाद ये। तो ये हमें 3 फ्लावर तक बना लेना है, ये हमारा पहला है, उसके बाद ये दूसरा हम बना रहे हैं, तीसरा तक बना लेते हैं, उसके बाद हम बाजू की कटाई करेंगे। तो ये बना के फिर हम आपको दिखाते हैं।